किसी भी आदमी के ऊपर लाइबिलिटी है? नो। लाइबिलिटी फ्री होके कोई काम को करे और उससे किसी का भला हो, इसमें लीगल इलीगल क्या है? कई लोग टांग खींचने की प्रयास करते रहते हैं, हम क्या किसी से कुछ लूट के ले जा रहे हैं? लूटने वाले तो आए और चले गए, उनको लीगल इलीगल किसी ने कुछ भी नहीं बोला। उल्टा पता चला बहुत बड़े बड़े शख्स, बहुत बड़े बड़े ओहदे वाले लोग वहां पे काम कर रहे हैं, जो लोगों को लाइबिलिटी में डाल के चली भी गई। सब लोगों की सोच लीगल इलीगल की नहीं है। आज नेक्स्ट मनी में कई लीडर ऐसे हैं जिन लोग अपने पुराने पाप धो रहे हैं। राइट सर। आज कई लोग जो लाइबिलिटी में थे वो यहां आके अपनी पूरी लाइबिलिटी फ्री करना चाह रहे हैं। किसकी लाइबिलिटी? लाइबिलिटी नहीं, पुराना जो ना समझी में बनाया हुआ लाइबिलिटी है वो। कई लोग सोचते हैं, मन में आता है, आप लोग जब प्लान लेने जाते हो कंपनी भाग गई तो मुझे भागने की जरूरत क्या है? इतना प्यार, इतना मोहब्बत, इतना इज्जत, इतने लोगों के घर में पैसे आ रहे हैं, मैं भाग के भी क्या करूं? जहां जाता हूं एक रेस्टोरेंट एक इज्जत करती है, मैं तो कम ही जा पाता हूं क्योंकि मुझे बैकेंड में भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। बट मैं लीडर लोगों से पूछना चाहूंगा, जो भी लीडर है, चाहे वो सिल्वर है, गोल्ड है, डायमंड है, क्या आप लोगों के बीच जाते हैं वो लोग आपको इज्जत देते हैं या नहीं देते? पैसा, एक समय आने के बाद पैसा आदमी को कुछ भी नहीं लगता है। जो बहुत बड़े पैसे वाले वो भी तो वही अनाज ही खाते हैं ना, कि कुछ और खाते हैं? वही खाते हैं। लेकिन नाम शोहरत बहुत कम लोगों को मिलती है, भले उनके पास पैसा अथाव। yes. और हम ये चाहते हैं कि आप लीगली इलीगली पैसे भी कमाएं और लोग आपको इज्जत करें, ये ना कहें कि यार इसने मेरा 20 लाख रुपए डुबा दिया, इसने मेरा 50 लाख रुपए डुबा दिया, इसने मुझे करोड़ रुपया माइनस में डाल दिया। कई लोग शॉर्टम में ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, अभी यहाँ पे कई लोगों को आपने बुलाया होगा, यार क्या जाएंगे नेक्स्ट मनी में, वही 10 पैसा पैसा वाला इनकम। यही लोग शुरू में मुझे बोला करते थे कि क्या ये प्लान मैडम है, अभी से 1500 रुपया ज्वाइनिंग अमाउंट आती है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में कितना है? कुछ ऐसा करो कि ज्वाइनिंग अमाउंट इतना यार लूट ले गए लोग। लीडर को ये समझ में नहीं आता है कि लूट के पैसा नहीं बनता है। जितने लोगों ने इस तरह से लूट खसोट के गलत चीजों को प्रमोट करके पैसा बनाया, फिर लाइबिलिटी क्यों आ गई? आज कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने घर बना लिया, गाड़ी ले ली, इस तरह के कामों को करके, और बाद में पता चला, हाँ सर अभी एक घर बेच रहे हैं, सोच रहे हैं पहले वाली लाइबिलिटी खत्म हो जाए। तो फिर क्या बनाया यार तुमने? एक्सटेंड बोनस कर रहे हो क्या? आ गया था, दिखा दिए लोगों को, वो दिखा गया और पैसा बनाए, और फिर अंत में उसका डबल ब्याज समेत वापस कर रहे हैं। घर में जीना मुश्किल हो गया है, घर में रह नहीं पा रहे, घर वाले लोगों को
फोन कर रहे हैं, बता रहे हैं। क्या है इलीगल है क्या ट्रेडिंग कर रहे हैं? बस एक ही तो गलती किया यार, प्रोडक्ट वाले सिस्टम से हटके अब ये नया है तो लोग इलीगल लीगल बोल रहे हैं। एक एडवोकेट है मेरे पीछे हाथ धोके पड़ा हुआ है, बाद में उसकी हिस्ट्री पता की मैंने तो पता चला किसी और कंपनी में नोडल ऑफिसर के रूप में काम करता है और मुझे सिखाता है। अभिषेक मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए। यार तुम अपने बिजनेस को देखो कि तुम क्या कर रहे हो, लोगों को 10 रुपए का चीज 1000 रुपए करके दे रहे हो और बोलते हो सिस्टम लीगल है क्योंकि वो प्रोडक्ट है। लोग मजदूरी में मालूम होते हुए भी 10 का है यार, 1000 रुपए तो लेने ही पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन कहां से करेगी कंपनी? मजबूर होके लेते और बोलते क्या है लीगल सिस्टम है, क्यों प्रोडक्ट है ना। हमने जरूरत की कुछ नई दुनिया बनाने तो लोग को परेशान करेंगे। yes. लोग तो दिक्कत, जब जब कुछ बदलाव हुआ है तो लोगों ने परेशान, लेकिन एक तरफ वो सारी परेशानियां देखता हूं और एक तरफ लोगों का प्यार देखता हूं आप जैसे लोगों का, तो मेरी हिम्मत 4 गुना बढ़ जाती है। लोग 2 करोड़पति बनेंगे ही और 1500 वाले बनेंगे। yes! और आज ये कारवां आपको दिखाई दे रहा है, आज कई लोग लाखों रुपए अर्निंग करना शुरू कर रहे हैं। एक समय था जब लोग सोचते नहीं थे, लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी छोटी सी सिस्टम इतना बड़ा इनकम देगी। मुझे एक और चीज पता चला, आप लोग 5 का एग्जांपल देते हैं, कई लोग इसे समझ बैठते हैं कि कंपनी ने कंडीशन लगा दिया है कि 5 ही ज्वाइनिंग करना है। दूसरी बात, जितने भी लोग मुझे ये बोलने आए हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा होगा, वैसा नहीं वैसा होगा, उनके बारे में मैंने ये देखा कि उनको प्रॉपर रूप से जानकारी है ही नहीं कि नेक्स्ट मनी है क्या, उनको किसी ने आधा अधूरा चीजें बताया है, इसलिए उन्हें लगता क्या है इतना लेती है देती। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि सिस्टम को बहुत लंबा चलाना है, इसलिए कभी भी रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, किसी को भी बताएं तो पूरा बताएं, नहीं तो मत बताएं। आपके पास टाइम हो तभी उसे बताएं ये सिस्टम, इसलिए ना बताएं कि हाँ मैंने वो भी कंपनी किया था, ये भी कर दूंगा, बस शेयर तो करना है, यूट्यूब में तो डालना है, ये सोच के ना करें प्लीज। मुझे बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, मुझे बहुत सारी परेशानियां
देखनी पड़ती है। मैं सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, कई इनकम के जरिए लाना चाहता हूँ, ये परेशानी से मुझे बता दे। आप लोग पूरी पूरी इंफॉर्मेशन लोगों को दे, उसके बाद देख के मैं क्या करता हूँ। इतनी इनकम इतने प्रकार की इनकम दे दूंगा कि आपने शायद पूरे 3 पुस्त में नहीं सोचा होगा। जो दूसरी चीज क्या होती है, किसी को इनकम होता है तो वो किसी सिस्टम को अच्छा बोलता है, किसी को वहां से इनकम नहीं होती है तो वही उस सिस्टम को गलत बोलता है। प्लीज, मैंने देखा याद नहीं है 2004 या समथिंग होगा, जिसने पेशेंस रखा है ना, साल बाद नहीं कमाने के बाद अचानक से कब उसकी टीम उठी है उसे भी पता नहीं चला। क्या क्या निकल रहा है? पेशेंस रखे, सिस्टम का बट चाबी तो इधर है, नेक्स्ट मनी आने वाला पैसा, इंतजार करें कब किस क्या बोल रहे हो, कोई नहीं जानता है। पेशेंस रखें, इतने दिन तो यार आप लोगों ने पैसे कमाए। एक मिनट में उनको देता हूँ, उनको बोल दीजिए मैं बात कर लेता हूँ, आवाज नहीं आ रहा है। इसलिए सबसे गुजारिश है कि एक तो पूरी इंफॉर्मेशन अभी एमपी में आप आए, बहुत सारे गांव देहात नीचे वर्ग के लोग गरीब लोग मिलेंगे। प्लीज जब तक पूरी इंफॉर्मेशन ना दें किसी को भी, अपना स्टार अपना गोल्ड अपना सिल्वर अपना डायमंड कंप्लीट करने के लिए जाएं ना कराएं, उसे कैसे डायमंड बना सकते हैं इसके लिए ज्वाइन कराइए। समझ रहे हैं बात? यस क्लियर सर, क्लियर। आगे से कोई भी आधा अधूरा किसी इंसान को देगा नॉलेज नहीं, क्योंकि आप आधा अधूरा देके छोड़ देते हैं वो मुझे परेशान करने लगता है। यार ये तो मनी रोलिंग है, ये तो ये है वो है, अब मैं उन लोगों का जवाब देता रहूं, ये सिस्टम को आगे बढ़ाओ। क्या चाहते हैं आप लोग? सिस्टम को आगे। क्या चाहते हैं आप लोग? तो आप सभी लोगों को प्रण करना पड़ेगा कि किसी भी इंसान को पूरी तरह से नॉलेज अगर नहीं दे सकते हैं तो प्लीज उसे 10 दिन के बाद बताएं। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है हम कंपटीशन के चक्कर में, जो गलतियां होती है वो मैं बता रहा हूं, हम कंपटीशन के चक्कर में यार मैंने उसको ज्वाइन नहीं कराया तो कोई और ज्वाइन करा लेगा उससे अच्छा, इसको कुछ भी करके आम इमली कटहल जो भी है बता के ज्वाइन करा लो, होता है ना ऐसा? क्यों मेरे रेफरल से ज्वाइन नहीं हुआ तो कोई और रेफर कर देगा। सर 150 करोड़ की आबादी है इंडिया, लाख भर भी नहीं है अपग्रेडेड अभी, और ये चिंता क्यों? मैंने देखा है कई लोगों की दिल्ली में बैठ के टीमें चेन्नई में चल रही, कई लोगों की महाराष्ट्र में बैठ के टीमें कहीं और चल रही है, तो आप इस बात से क्यों डरते हैं कि आपने नहीं ज्वाइन कराया तो कोई और करा लेगा? दूसरी चीज बोलना चाहूंगा, सभी लोगों को आपस में मिला के चलाने वाले सिस्टम नहीं है, इसमें भेदभाव और पार्शियलिटी प्लीज ना करें। कोई भी नेक्स्ट मनी वाला मिले तो किस तरह से उसे देंगे कि वो आपका ही डब है, और अगर उसकी नॉलेज अधूरी है तो प्लीज उसे रिक्वेस्ट करता हूं मैं आपसे कि प्लीज उसकी नॉलेज को पूरी कर दे, भले वो किसी भी टीम का, तभी हम बढ़ेंगे।
मैंने एक चीज बोला था एक समय में कि जब तक सोसाइटी नहीं पढ़ेगा तो हम पढ़ के भी क्या कर लेंगे। मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपने बहुत पैसा कमा लिया, एमपी में एक घर ले लिया, बैतूल में एक ऑडी कार ले लिया, और जब बाहर अपनी कार को निकालने गए तो पता चला इधर कीचड़, उधर कीचड़, उधर नाला, उधर पानी, उधर गंदे से बच्चे लोग जो आपकी गाड़ी को छू रहे हैं, हाँ अच्छी गाड़ी और पूरा गंदा कर रहे हैं, ऐसा लगेगा। आप क्या करोगे ऑडी का? घर के अंदर पार्किंग में ही पार्क करके रखोगे? नहीं, निकलता हूँ तो कीचड़ आ जाती है, नहीं तो वो गंदे बच्चे छू जाते हैं, नहीं तो कोई स्क्रैच मार देता है, ये सोच के घर के अंदर रखोगे तो फिर उस ऑडी का अंदर क्या वैल्यू, उस मर्सिडीज का क्या वैल्यू, कोई वैल्यू है? अब आप सोचें कि आपने समाज में ऐसा किया है कि आपके वजह से पूरी वो सोसाइटी साफ सुथरी अच्छी हो, और आप जब ऑडी कार लेके निकले तो सामने वाला बोले देखो ये वही आदमी है जिसने हमारी पूरी सोसाइटी को स्वच्छ कर दिया है। कैसा महसूस होगा? उस गाड़ी में बैठने की जो गर्व की फीलिंग है वो उस समय 10 गुना बढ़ जाएगी। yes. इसलिए कोई भी भेदभाव न करते हुए हर लोगों को इक्वल निगाह से देखते हुए नेक्स्ट मनी को बढ़ाइए, सबके पास समृद्धि जरूर आएगी। yes. दोस्तों मैं अगर सोचता अपना तो मेरे को कई लोग सलाह अभिषेक गलती किया तूने, बोले क्या इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन रखा है और कंपनी के लिए इतना हिस्सा रखा है, पेशेंस रख, एक एक रुपया भी कमाया और 1,000 करोड़ लोगों से आया तो कितना बनेगा। बिजनेस उस हिसाब से सोचिए। कई लोग सोचते हैं हम एक ही कस्टमर को काटेंगे और उसी से पूरा कमा लेंगे, क्या ये पॉसिबल है? हम ये सोचे कि बिजनेस में मुनाफा थोड़ा ही हो लेकिन ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जिनके भी जो डाउट है अपने अंदर के सारे डाउट क्लियर करके काम करें, नहीं तो सिल्वर ट्रॉफी लेके भी कोई फायदा नहीं होगा, वो घर में एक तरफ रहेगा, पड़ा रहेगा। मेरे पास भी बहुत सारे अवार्ड है, बहुत सारी नौकरियों जो ऐसे ही पड़ा हुआ है जिसकी कोई, जब तक हम खुद नहीं समझेंगे वो बस एक जोश था, सिल्वर तो बन गए, आगे क्या होता है पता नहीं। मैं जैसे सिल्वर बना मेरे को मैसेज आने लगे बहुत सारे लीडर के कि तू ये ज्वाइन कर ले वो ज्वाइन कर ले। आज के डेट में मालूम है नेक्स्ट मनी के लोगों की वैल्यू क्या है, पावर क्या है? बड़े बड़े नेटवर्कर जो टॉप लेवल में हैं वो नेक्स्ट मनी का एक नीचे वाला आदमी को ज्वाइन कराने के लिए पावर हो गया है। यानी आप सोच लीजिए कि नेक्स्ट मनी का एक लोअर ग्रेड की ये वैल्यू है तो अपर ग्रेड में पहुंचेगा तो क्या वैल्यू। इसलिए कभी भी लालच में ना आए। कहानी सुनाता ना, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, जाल में फंसना मत। हम रटते रहते हैं लेकिन फिर से वही जाल में, इसलिए जाल और झांसा में मत जाइए, रियलिटी देखिए, अपनी अकल लगाओ। है या नहीं वैल्यूअर? नेक्स्ट मनी के कोई भी छोटे लीडर की बताइए, बड़े बड़े कंपनी के टॉप टॉप लीडर उसको खींचने की कोशिश करते हैं कि नहीं? बस वो सिल्वर हो जाए कि बड़े बड़े कंपनी के लीडर खींचने में लगे रहते हैं। क्यों?
उन्हें मालूम है ये पूरा सोना तब के निकला है नेक्स्ट मनी से, इसे अगर ले लोगे तो तुम्हारी तो बन गई। यानी यहां काम करने के बाद आप तपन के साथ चमक लाते हो अपनी, और वो चमक को चंद पैसों में ना तोले, उसकी रियल वैल्यू को समझिए। कई लोगों को मैंने देखा है सिल्वर तो बन गया लेकिन अभी क्या आ गया, कहीं लाइफ आ जाती है, कहीं मृत्यु आ जाता है, ऐसे बहुत सारी चीजें आ जाती है, उधर फंस जाता है। क्यों? अरे मालूम है उसका टॉप लीडर आया था मेरे पास, मेरे से बात करने, मेरे घर में आया, मेरे से चाय पी के गया, चंद लालच में आ जाते हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं यार मैं नेक्स्ट मनी में सिल्वर हूं तभी ये डिमांड कर रहा है, डायमंड बन जाऊंगा तो क्या करेगा। तब तो बोलेगा भैया ये बड़ी गाड़ी ले ले, लेकिन तुम मेरे साथ चढ़ जाओ, ऑफर्स आएंगे और क्राउन डायमंड बन गया तो क्या करेगा। इसलिए पेशेंस रख के काम कीजिए, बहुत अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आने वाली है, बहुत सारी चीजें आने वाली है, और आने वाले कुछ ही समय में हम बहुत सारी चीजें और भी लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, हम आप लोगों के लिए हर समय तत्पर हैं। इस बात का भरोसा रखिए, उतार चढ़ाव हर बिजनेस में आता है, उतार और चढ़ाव नहीं आएगा तो बिजनेस नहीं बोला जाता उसे। कई लीडर को मैं देखता हूं सर पिछले महीने तो 10,000 आया था, इस महीने 8,000 आया, जरूर कंपनी में कुछ खामी हो गई इसलिए मेरा इनकम लो हो गया। वो ये एनालाइज नहीं करता है कि पिछले महीने 10,000 आया तो बीवी को लेके घूमने चले गए, 8,000 वही खर्च कर दिए, अब इस बार कम हुआ तो अपनी भी गलती रियलाइज करो ना भाई। मैं ये नहीं बोलता फैमिली को लेके घूमने मत जाओ, पर इतना इंडिपेंडेंट हो जाओ कि तुम्हें वो फिर फोन करने की जरूरत ही नहीं करे जब लेके घूमने जाओ, ठीक है। तो आज का प्रोग्राम बस दो मैसेज के साथ कि जिसको भी दे पूरी नॉलेज दे, ना तो न दे, और पेशेंस बरकरार रखें, पहलका तो होके रहेगा। धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर से बेतुल का मैं तहे दिल से आपके तालियों के साथ, ये तालियां खत्म हो जाएंगी, यस यस यस, ये बेतुल वाली तालियां नजर आ रही है, अभी भी बेतुल वाली तालियां नहीं सुनाई, जब तक बेतुल वाली तालियां सुनाई नहीं देंगी।